भाई साहब, गाड़ी वाला गंदा तरीके से भगा के लेके गया। अरे अक्षरधाम तो इधर है। भाई चढ़ गए हैं फ्लाईओवर, हमें अक्षरधाम से आयुष को उठाना था। थोड़ी सी गंदी हो रखी है, हम आए तो थे नहाने के लिए, बट अभी मन नहीं कर रहा है कि अभी थोड़ा सा नहाए। What's up people, welcome to another vlog। राम राम सारे भाइयों को। आज की छोटी सी एक राइड रखी है हमने भाई, हम जा रहे हैं हरिद्वार। एक गंगा थोड़ा सा हम मत्था टेक लें, हम बहुत पाप कर लिए, आज थोड़ा धोने के लिए जाएंगे। और राइडर्स हमारे सारे मतलब जितने हैं अभी फिलहाल के लिए, भाई सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता है। आप लोग सुबह निकल के तो देखो, संडे का दिन और सुबह सुबह की मॉर्निंग की राइड, ओहो, ऊपर से गर्मी हो ना, गर्मी में तो निकलने में और मजा आता है। आप स्लीव्स पहन के निकल जाओ, आपको सर्दी का एहसास अपने आप हो जाएगा। और हमारी ये प्रोफेशनल राइडर और भाई आज एक डोमिनार भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी है। और AS 200 हम आपको दिखाते हैं। AS 200 ये है, AS 200। अरे लाइट जगा दूँ। डोमिनार तो भागती भाई, नेक्स्ट लेवल भागती है। तो हमें जो है छोटी सी राइड है ये, बेसिकली 75 किलोमीटर के अराउंड रहने वाली है। और अंधेरे में होपफुली आपको सबका सामने का जो व्यू है ना भाई, वो साफ दिख रहा होगा। और भाई मेरे साथ कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं भाई, मैं मतलब देखो बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की भी, बट स्टिल यार बंदे अगर वही बंदे हैं हमारे ग्रुप में, ऐसे बंदे जो भाई नाम लिखते हैं, बोलते हैं राइड पे आएंगे, सुबह सुबह इनसे उठा नहीं जाता, फिर उसके बाद ये लोग जो हैं कैंसिल कर देते हैं। बट ठीक है, जैसे भी है भाई, अपने भाई हैं उनको कुछ कह थोड़ी सकते हैं। बट कई बंदे ऐसे हैं भाई साहब, मैं इसकी भाई बहुत तारीफ करूँगा इस चीज़ में कि लड़कों से ज़्यादा ना भाई इसे बहुत क्रेज रहता है। शीशेट की यार मेरे को जाना है, मैं कैसे जाऊँ यार, मैंने मेरे को लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो टेंशन ना लें, हम टाइम पे वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे, तेरे को ऑफिस जाना है तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। हम उसी हिसाब से चल रहे हैं भाई साहब। गाड़ी वाला गंदा तरीके से भगा के लेके गया। वो देखो पीछे लाइट लगा रखी है, वाह भाई का टोड़ा ही अलग है भाई। मुझे आयुष को भी पिक करना है वैसे तो, अभी आयुष को पिक करने के लिए देखते हैं हम कहां से जाएंगे। ओहो हो, स्विफ्ट वाला जगह नहीं दे रहा भाई को, यहाँ पे आड़ू तरीके की बैच चल रही है। ओए होए होए होए, यहाँ तो ऐसा लग रहा है फ्रिज खोल दिया किसी ने भाई, ठंडी ठंडी हवा। पीछे वाले बंदों का भी ध्यान रख के चलना है यार। तो मेरे को ये नहीं पता मेरे माइक में आवाज कैसी आ रही होगी अभी, क्योंकि मेरा माइक की जो तार है ना वो थोड़ी सी टूटी है, मतलब थोड़ी टूट रखी है और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस चीज़ पे। यार क्या होता है ना, हम लोग जब धूल मिट्टी वगैरह सब चीज़ें हम लोग फेस करते हैं ऑलरेडी। अभी आप देखो मैं ग्लव्स भी नहीं पहने मैंने आज, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में निकला तो मैं ग्लव्स भी भूल आया। अरे अक्षरधाम तो इधर है भाई, चढ़ गए हैं फ्लाईओवर, हमें अक्षरधाम से आयुष को उठाना था। अच्छा अक्षरधाम का रास्ता वहां से भी है, ये नहीं ध्यान दिया भाई मैंने। तो भाई सारे के सारे आ गए, हम लोग बीच में रुक गए थे, तो
तो एक भाई को आना था, उनको भी ज्वाइन करना था हमें, तो वो भाई भी आ गए और हमारे साथ एक आर्मी फाइव थी। वो भाई साहब वो देखो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे कि बाइक जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, मगर वो भाई चढ़ गए हैं हाईवे पे। तो वो आगे रुका है भाई हमारा, उसको आगे से पिक करते हैं, उस भाई को आगे मिलते हैं और आपसे भी मिलते हैं लोकेशन पे जाके। इन्हें देखो यार, ये भी भाई चलते हैं यार, सुबह सुबह निकल जाते हैं ये भी साइकिलिंग करने के लिए। यार मेरा भी बड़ा मन है यार साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, तोंद वोंद निकली हुई है अपनी भी भाई। देखो कहने में कोई शर्म नहीं है भाई, हमने खाया पिया हमने बनाई है, खाने पीते घर दे, यहाँ भी खाने पीते घर दे। लास्ट टाइम जब हम ऋषिकेश गए थे तो हम लोग जो है इसी हाईवे पे चढ़ गए थे, और हमें पता नहीं था कि इस हाईवे पे इस तरह का कोई सीन है कि 20,000 का चालान कट जाता है। हम चढ़ गए, हमें किसी ने रोका भी नहीं, बट मेरे को किसी ने बताया, मेरे को मेरा दोस्त बता रहा, कह रहा भाई पुलिस वाले ने हमें हाथ दिया था मगर हमने देखा नहीं उसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। स्कूटी आगे करो, वाह मैं इधर से हाथ दे रहा हूँ, ये राइट से निकलेगी। भाई साहब मतलब इतना टाइम लग गया है यहाँ पे पहुँचने में ही, और एक भाई हमारे अलग चले गए, उनका भी देखना ज़रूरी है, उनको पता नहीं कहाँ है। उसे बोल हाईवे पे कौन ब्रेकर बनाता बे, इन्होंने हाईवे पे ब्रेकर बना रखे। वो भी देखो भैंस की पूंछ, ऐसे लगा शिमला घूम के आया मैं अभी अभी। क्या बोला तूने? और ये मनाली पहुंच गए भैंस की पूंछ। ये बॉय बड़े दिनों बाद गंगा में नहाएंगे। ये देखो भाई साहब क्या लगा रखा है ये, कुछ तो है ये। ओ गाइस शक्ल देख लो, बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा होगा ये चेहरा। तो मैं हूँ यहाँ गंगा के पास, ये गंगा मैया हमारी थोड़ी सी गंदी हो रखी है। हम आए तो थे नहाने के लिए बट अभी मन नहीं कर रहा है कि अभी थोड़ा सा नहाए, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है। बट देखता हूँ अगर मन कर भी गया तो कुछ भी हो सकता है, बाकी कुछ पता नहीं है। बट अभी घाट की हो रही है सफाई, देख रहे हो पीछे की तरफ। ओ हेलो, हाय, हाँ पूरा ये पूरा किसका दे भैंस की पूंछ। इधर देखो गाइस मेरे जूते, यहाँ पे ये है ना शिव जी की मूर्ति, वो पीछे उसी उसी साइड से उड़ा देगी ना उसे। ये कैसे हुआ? उसी के साइड से रोड आ रही है। बच गए जूते, जूते बच गए भाई, यार जूते लेके घूम रहे भाई हम, बुरा हाल हो रखा है। पजामा तो हो गया गीला भाई। फाइनली हमारे R15 वाले भैया आ गए हैं, तो कैट देम लेके। ओहो जुगाड़ दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, एक जुगाड़ दिखाता हूँ अभी, इसे चेक करो जरा, उधर जुगाड़ देखो जरा। वाह काहे का जुगाड़
घाट की सफाई में योगदान देना चाहिए। ओए फोन है मेरे हाथ में यार। भाई फोन हमने जूते वूते संभालने पड़ेंगे, हमें जूते जो है वो हो गए हैं गीले अच्छे से। बांधू चलो यार जूते बांध के मिलता हूँ आप लोगों से एक बार जूते। तो गाइस हमारा यहाँ पे हो चुका है सब नहाना धोना, चेहरे देख रहे होंगे आपको चमकते हुए फुल जहर, मुझे पता है मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, थैंक यू सो मच यार उसके लिए। बाकी हमारा मतलब लाइनअप आज का मैं आपको दिखाऊँ, लाइनअप दिखाता हूँ एक बार आपको, तो पीछे की तरफ आप देख सकते हो हमारी सारी बाइकें लगी हुई हैं यहाँ से पूरी की पूरी। ये सबसे पहले तो डोमिनार लगी हुई है, उसके बाद टॉप, उसके बाद मेरी वाली बाइक लगी है। आंटियाँ यहाँ पे आ गई हैं कुछ पैसे मांगने के लिए, आंटी फुल जहर कह रही हैं पैसे दे दो, हमें नहीं पता जैसे भी मर्जी दे दो। तो हम यहाँ से थोड़ा खाएंगे पिएंगे उसके बाद यहाँ से घर निकलेंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक छोटा सा लाइक पर बनता है ब्रो। ब्रो क्या बोल रहा हूँ, जो भी है आप ये देखो, इसे देखो जरा इसका चेहरा दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब इसे तैरना नहीं आता है, घुटने घिसे हैं इसने। तो गाइस अभी आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, सी यू सून, तब तक के लिए लव यू गाइस, आप लोगों को प्यार बहुत है, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कर देना। मैं बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं करना नहीं है भाई, करना जरूर है, पीछे से थोड़ी डिस्टर्बेंस है कोई बात नहीं।